लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की ओर से आयोजित संकल्प रैली में भाग लिया। इस ऐतिहासिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा थी। रैली में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान समेत एनडीए के सभी बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में हो रहे विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की, साथ ही पीएम ने विपक्षी महागठबंधन पर तंज भी कसा। एनडीए की ओर से पटना में आयोजित संकल्प रैली को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसे विफल करार दिया है। मांझी ने रैली को बिग फ्लॉप बताते हुए कहा कि जन धन बल और सरकारी सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी रैली फ्लॉप रही। रविवार को गया पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में उत्साह कम दिखा, 2019 में एनडीए की दुर्गति होगी। उन्होंने कहा कि इस रैली में सरकारी पैसे और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, फिर भी भीड़ गांधी मैदान में मात्र तीन हिस्से में थी जबकि एक हिस्सा खाली था। गांधी मैदान की क्षमता 2.5 लाख है लेकिन 1.5 लाख की भीड़ देखी गई। जबकि इस रैली को लेकर व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू कुमार को उचित श्रद्धांजलि न मिलने की बात पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने माफी मांगी है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है, इस दुख की घड़ी में हमें आपके साथ होना चाहिए था, हमारी ओर से भूल हुई जिसके लिए मैं उन सभी लोगों की ओर से माफी मांगना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के साथ ही पिंटू कुमार के पिता का वीडियो भी शेयर किया है। देश समेत बिहार में भी महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सोमवार की सुबह से ही बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में महाशिवरात्रि के महापावन अवसर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए नंगे पांव सैकड़ों श्रद्धालुओं का जनसैलाब शिवालयों और मंदिरों में उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ हर हर महादेव का जय घोष करती तो चारों दिशाएं भक्तिमय वातावरण से गूंज उठी। बिहार के जेलों में चल रही लगातार छापेमारी के बावजूद भारी मात्रा में मोबाइल, चार्जर, सिम और नशे की सामग्री बरामद की जा रही है। इस क्रम में सीतामढ़ी मंडल कारा में भी छापा मारा गया। छापेमारी में यहां से भी भारी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। एसपी डी अमरकेश के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। घंटों चली छापेमारी के बाद 6 मोबाइल, 10 चार्जर, 3 सिम कार्ड और गांजा भी बरामद किया गया है। सीतामढ़ी मंडल कारागार में पिछले कुछ दिनों में कई बार छापेमारी की गई और हर बार अवैध सामानों की बरामदगी की गई। यहां तक कि पिछली बार तो जाली करेंसी तक बरामद किए गए थे। यही कारण है कि डीएम रणजीत सिंह कुमार ने यह सख्त कदम उठाया है।